वो शख्स फिर कहानी का उनवान बन गया, थोड़ी सी थी बांट के महान बन गया, विद फैमिली में जिसके यहाँ जाने को था तैयार, इस बार फिर वो मेरा ही मेहमान बन गया। ईद है मेजबानी में गुजर रही, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। क्या हाल चाल है आप लोगों के आज? माशाल्लाह, आज फिर चौधरी वाले कपड़े पहने सर। बस देख लीजिए, इतने सोने लग गए। अच्छा भाई, बात जो सब शहजादे आदमी, बिल्कुल ये जो बंदे ससुराल वाले जाके ईद वाले दिन एको गल कर रहे थे, अबा जी वो केड़ा मुल्क है जिथे जवाइयां नु ईद मिलदी? बंदे ईद वाले दिन सुबह सुबह बच्चे लेके ससुराल चले जाते कि किते ओ ना आ जाए। कचहरी साहब वर्ग के बंदे बच्चों को ईद वाले दिन पहले ही कहना शुरू कर देते हैं, इस दफा मामा से ज्यादा ईद लेके देना। कहते हैं अपने आज के खास मेहमान को, ये चौधरियों के साथ बहुत कर रहे थे इसलिए मैंने कहा किसी बड़े चौधरी को बुलाना चाहिए जो हकीकी चौधरी भी हो। हमारे आज के पहले मेहमान जो हैं, एक पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी सोशो कल्चर का बहुत बड़ा नाम, आई डोंट इवन वांट टू गो इनटू द डिटेल्स के कितनी दफा ये फेडरल मिनिस्टर रहे, कितनी दफा ये पार्लियामेंटेरियन रहे, कितनी दफा ये सेनेटर रहे, मगर लुबे लुबाब ये है कि वन ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स दैट वी हैव इन पॉलिटिक्स ओवर हियर, अ कैरियर दैट हैज स्पैंड ओवर 40 इयर्स इन पॉलिटिक्स एंड इन लॉ, द वन एंड ओनली जनाब चौधरी एतजाज अहसन। उनका साथ देने के लिए कराची से हमारी दूसरी मेहमान, एक जबरदस्त एक्ट्रेस, वेदर इट्स टेलीविजन थिएटर और फिल्म, शी नोज हाउ टू परफॉर्म, मोहतरमा हाजरा यामीन। वेलकम टू द शो जी, आज बड़ा खुशी का दिन है, ईद मुबारक तो है ही। वाह, एक शेर आपकी खिदमत में हाजिर है सर। मोहतरम सियासतदान और कमाल बैरिस्टर एतजाजुल अहसन है आज हमारे मेहमान, इनके बाएं पहलू में हाजरा हैं शोबिज की, शोबिज जिनकी आंखों की ठाकुर पुतलियां हैं बिजलियां। सर मेरा शेर भी था दिल्ली के पत्थर उत्ते लीक सो तुसी, पत्थर उत्ते लीक सो तुसी उदों तक ते ठीक सो तुसी, अज नून लीक नू पुछ दे नहीं कल तक ते उन्हां दी ईद सो तुसी। क्या बात है, खुश नसीब है जिसको तेरी दीद होती है, उसको चाहने की कोशिश दिल में मजीद होती है, आज मेरे सामने हुस्न की वो परी बैठी है कैसर, जिसको देख के इस गरीब की ईद होती है। ये सब क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल दुआ आपकी। सर मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत महसूस हो रहे थे इनकी शेर व शायरी से। हाँ नहीं, बड़ी अच्छी, और ये जो खासकर हाजरा पे उन्होंने शेर जी 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 बोलिए, ये सबसे ज्यादा आपको वही पसंद आया? वो बड़ा मजा था उसमें, मजा जो था वो मजा था या मजा था? नहीं, उसमें मजा था। क्या बात, उसे जवानी दे और कॉलेज के दिन याद आ गए उनके सारा शेर दी। वैसे एक कॉलेज के दिनों के उन्होंने जिक्र किया कि जवानी के कॉलेज के दिन याद आ गए, तो चौधरी साहब मेरे भी कुछ बाखबर और आईनी जराए ये बताते हैं कि कॉलेज के दिनों के अंदर आप भी बड़े हिट थे। हिटें ज्यादा खाते थे सर जी, वो तो बाद में सियासत में खाते थे। उस जमाने में तो मैंने सुना है बड़े दिलदादा थे लोग आपके, और बड़ा एक खूबरू आइडियोलॉजिकल नौजवान फिर रहा होता था लॉ कॉलेज के अंदर, और अक्सर निगाहें जो थी वो हसरत से देख रही होती थी कि ये लड़का कहाँ जाएगा। हाजरा भी ताप नहीं ला पाई इस मंजर की, काश ऐसी लड़की ने उस वक्त बच्ची ने ये हो। नहीं, मुझे बताइए क्या इसमें कोई सदाकत है जो मैंने मंजर खींचा यहाँ पे? इसमें सदाकत तो इतनी नहीं है, बस हर कोई अपने आप को समझता है, हम भी कोई ज्यादा ही समझते थे। और ये जो आप
समझते थे या आपने कभी किसी और को समझाने की कोशिश की उस जमाने में? एक माहौल बड़ा फ्री माहौल था, बिल्कुल बड़ी अच्छी लड़कियां और बच्चियां हुआ करती थी, बड़ी मेहनती, बड़ी खूबसूरत, बड़ी स्टाइल वाली, बड़ी नज़ाकत वाली, बड़ी इल्म और अकल वाली, वाह, और मतलब इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स उनके साथ जो होता था उसमें कोई मैल नहीं होती थी। और मतलब अजरा जैसी लड़कियां ज्यादातर ऐसी थी। सर वैसे ये उस जमाने में जब आपने कहा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बड़ी इंटेलेक्चुअल और बड़े खुश शक्ल और बड़ी बातचीत करने वाली, ये सिर्फ लड़कियां ही होती थी या लड़के भी होते थे ऐसे? नहीं, लड़के भी स्मार्ट थे। अच्छा, तो उस जमाने में आप इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब को मिले? आप बताएं वो थे या नहीं थे उस जमाने में गवर्नमेंट कॉलेज में? नहीं, उस जमाने में थे। थे ना? मियां साहब इसी किस्म के थे, इसी तरह थे, इंटेलेक्चुअल और स्लो, स्लो हैवी वेट। मतलब उनसे कोई अगर सवाल कर ले तो उनके वो आंखें डेले जो है वो बाहर आ जाते थे स्पीकर से, उसका जवाब क्या देना। अच्छा, तो जिस तरह हाइड पार्क में आजकल फिर रहे हैं ना। हाँ जी, वैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज के लॉन में फिर रहे होते थे। गवर्नमेंट कॉलेज के ओवल में फिर रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, उनको कोई फर्क उनमें नहीं आया। कोई फर्क नहीं आया उसके अंदर? नहीं नहीं, मगर माहौल जो था आपके इर्द गिर्द वो इस किस्म का ही था कॉलेज के जमाने में। कहीं डार साहब नजर आ गए, कहीं कोई हसीन चेहरा नजर आ गया, कहीं मियाँ साहब नजर आ गए, कहीं कोई इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो गई, कुछ मिला जुला। मियाँ साहब और डार साहब से जो गुफ्तगू करते थे तो वो बैंक अकाउंट की होती थी। बैंक अकाउंट? अच्छा, उस जमाने में भी? हाँ, उस बैंक अकाउंट की। मतलब वैसे चोई साहब ये एक बात देखिए, आप उनको क्रेडिट दें कि वो कॉलेज के जमाने में भी जानते थे कि कहाँ जाना है। नहीं नहीं, उन्होंने अपना रास्ता नहीं तब्दील किया बिल्कुल भी। दैट्स अ कंसिस्टेंसी सर, बहुत बहुत। ये तो उनमें मुस्तकिल मिजाजी, मुस्तकिल मिजाजी की एक नई मिसाल है ये। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो बैंक अकाउंट के बारे में उनका वो शौक होता है, किसी को घोड़े पालने का शौक होता है। जरदारी साहब हूँ, जरदारी साहब को घोड़े पालने का शौक है। उनको भी घोड़े पालने का शौक इतना ही पुराना? बहुत पुराना है। अच्छा सर, उन्होंने तो शेर पालने से अगर नून लीग देना होते थे। नहीं नहीं, मगर ये एक बिल्कुल उन्होंने बात की कि कुछ शौक होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं बहुत पहले से। मियाँ साहब और इनका तो कमाल ही ये था डार साहब का, इनको चलते फिरते बंदे का पता लग जाता था कि उस जमाने में स्टूडेंट इसका अकाउंट फलाम ब्रांच में बगैर सुने यूं दूर से ही, और उसमें 20,595 रुपए रखे। सर आपस से गल्लां ही करदे होंदे मियां सर डार साहब के मैनूं वड्डा हो गया ना, 5 लाख दे ठीपे मैं बैंक च जमा करने ने। मगर वैसे हाजरा देखे कैसा आपको बैक एंड वास रादर लेके गए हैं कि 40-50 साल पुराना उन्होंने मंजर खींच दिया पकड़ के। वैसे इट्स गुड टू बी बैक एंड आल्सो इट्स एन ऑनर फॉर मी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आई एम हियर आपके साथ बैठी हूँ। और मैं भी बैक स्टेज उनसे वही बात करी थी कि आई एम सच अ बिग फैन। और माय पेरेंट्स वो एक्चुअली पिंडी में ही रहते हैं, मैं पिंडी में ही बड़ी हुई हूँ। और जिस मोहल्ले में मैं रहती थी वहाँ पे पीपीपी का जो है ना एक सेंट्रल पॉइंट होता था, तो आई हैव सीन हिम सो मेनी टाइम्स ओवर देयर बट कुड नेवर टॉक टू हिम, कभी बात नहीं हुई। ले फिर देखें, वो आपके लिए था कि आपने उस दिन वहाँ पिंडी में नहीं मिलना था, आपने इनको यहाँ पे मिलना था। और सब देखे जरा, बात नहीं हो पाई, कभी बात नहीं हो पाई, तो इट्स एन ऑनर फॉर मी। कब से वो आपका इंतजार कर रही है? बता, उनको मैंने जो देखा इसमें पिंकी मेम साहब, अच्छा उनकी फिल्म, मैं तो मिल तो आज रहा हूँ ना। कैसा लगा आपको उनका काम पिंकी मेम साहब में? बेहतरीन। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज बताऊँ जरा सीरियसली। जी जी, वैसे तो एक कहानी बताई जाती थी कि एक रोल्स रॉयस कार 2 लाख मील चल गई, 5 लाख मील चल गई, 10 लाख चल गई, 50 लाख चल गई, वो खराब एक दिन जाके 70 लाख मील के बाद खराब हुई। तो उन्होंने कहा कि इसको देखें, खोला तो इंजन ही कोई नहीं था, वो अपनी रेपुटेशन पे चल रही थी, अपने नाम पे। इस तरह हमारे में बहुत सारी बड़ी कामयाब और बहुत अच्छी और बहुत फन को समझने वाली एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं। मायरा हो गई, ये रियात हो गई, तबा कमल हो गई, पर मैंने जो देखा ये जो लॉकडाउन हुआ ना, लॉकडाउन में फिल्में देखने का ज़्यादा मौका मिला। अच्छा, सच्ची बात, शायद सच्ची बात है, मैं पिंकी मेम साहब भी ना देखता अगर लॉकडाउन ना हो। अच्छा, शायद तुसी तो लॉकडाउन का फिर शुक्रिया अदा करो जी। जो मैंने 3 एक्टर्स लड़कियां डिस्कवर की हैं,
जो पाकिस्तान से बहुत बढ़ के ज़्यादा पॉपुलर हो सकती हैं और उनको अगर मौका मिले, एक तो ये मेरे साथ बैठी हैं हाजरा, ठीक है, एक मंशा पाशा, मंशा पाशा, जी जी जी, मंशा पाशा ने लाल कबूतर में, और तीसरी है नीलम मुनीर, उसको मैं अंडररेटेड समझता हूँ, ठीक, जज्बाती रोल भी करती है वो, ते मुंडे सारे होर की ते शिफ्ट हो जाने, आपने जो एक पूरा साल के अंदर ये तीन खवातीन देखी और डिस्कवर की, तो कोई लड़कों पे भी नजर पड़ी? लौट जाती है इधर, नजर क्या कीजिए, मुस्कुराओ, ईद का दिन है, मिठाई महंगी है लेकिन खिलाओ, ईद का दिन है, के ना सोचो के हल्की हो रही है जेब तेरी, के तुम बस ईदियां ही देते जाओ, ईद का दिन है, के मिल ही जाएगा दोबारा से तुमको नया मौका, पुरानी रंजिशें दिल से भुलाओ, ईद का दिन है, ईद मुबारक। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हाजरा, ये बताएं, कैसा लगता है इतना जबरदस्त इनसाइट किसी पॉलिटिशियन से आपको मिल रहा हो अबाउट योर इंडस्ट्री? इट्स अमेजिंग। मैं भी वही सोच रही थी कि टू सी के आपके जितने भी सीनियर्स हैं, दे आर कीपिंग अप टू डेट विद द वर्ल्ड, विद द यंगर जनरेशन। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बट दैट्स अ रैरिटी, यू डोंट फाइंड पॉलिटिशियंस स्पेशली टॉकिंग अबाउट योर फील्ड। एंड पेरेंट्स के साथ कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, यही कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ कभी कभी बड़े नहीं होते, लाइक दे डोंट ग्रो अप विद अस, बट इट्स रियली गुड टू सी के मतलब इवन इन लेटर एज वो देर कीपिंग अप हमारे साथ, यू नो, इट्स रियली रियली फ्रेश। अभी मेरे ख्याल में जो पोटेंशियल हमारे एक्टर्स और कास्ट का है, जिस बुलंदियों तक ये जा सकते हैं, वो बदकिस्मती से इनको थीम्स नहीं मिलती। थीम्स स्टैंडर्ड है, पहली बीवी और इश्क शौहर ने कहीं कर लिया है, लड़का शादी करने को तैयार नहीं है और लड़की बेचैन और बेताब है, लड़का बाहर चला गया दुबई या और ये इंतज़ार कर रही है, कोई और थीम नहीं है। थीम आप देखें मीडिया में, थीम सिर्फ लड़का लड़की नहीं रह गए, बिल्कुल, लड़की खुद एक मतलब है कदावर किरदार अदा कर सकती है। हमारे यहाँ लड़कियों की सॉबिंग हीरोइंस है, सारी सॉबिंग हीरोइंस, रोती हुई हीरोइंस है, उन पे शौहर है वो मजादी खुदा है, उसके अंदर इनिशिएटिव ही नहीं छोड़ते। ये सारे जितने आपके ड्रामे बन रहे थे, मुझे इनसे बहुत इख्तलाफ है। आप दुनिया के प्ले राइट्स को पढ़े, मियां नवाशी साहब के, जी मियां नवाशी से ड्रामा ने चलिए बड़ी आप खान साहब वाली बातें कर रहे हैं, वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे सही नहीं हैं, वो चाहते हैं कि अर्तुगरुल जैसे ड्रामे बने, आप भी कुछ नहीं, 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 अर्तुगरुल वाला बने तो तुर्की बनाए, हाँ। हमारा बने तो हम तो दुल्हा भट्टी बनाए। इन बच्चियों में जो टैलेंट है, शी कैन गो ऑन एंड विन बैफ्टा एंड ऑस्कर, आई प्रॉमिस यू, पर इसको कोई मौका तो दे। हमारे इतना तो प्यार आपके अबू ने भी ये वाला क्लिप आपने अम्मी अबू को भिजवाया, तो बड़ा वैसे कीनली देखा हुआ है पाकिस्तानी ड्रामा, मुझे पिछले एक साल में लगता है वैसे मैं बहुत देखा है पाकिस्तानी ड्रामा। हाँ, ये पिछले साल तो बहुत देखा है, मैं तो कभी अपनी बीवी को कहा करता हूँ कि मैं, मुझे तो लगता है मैं किसी इस ड्रामे का किरदार ही हो गया हूँ। चोर साहब ने कोरोना जना सैनिटाइजर नहीं लाया जिन्हें ड्रामे लाए ने जी। पॉलिटिशियन की हमेशा हमको फॉलो करते हैं लोग, फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन मैंने सर की फैन फॉलोइंग देखी हुई है। अच्छा, कह सकता हूँ कि मुझे भी बताया गया था कि आपकी स्पीचेस सुनी जब मैंने, तो मैं खुद भी इनका फैन हूँ, और आप मतलब वो ऐसे पॉलिटिशियन जिनकी फैन फॉलोइंग देखी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत तो सब इतने आपके फैंस बिखरे पड़े हैं आज सेट के ऊपर, मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ। मुझे कोई कहता कि तुम फोन नहीं सुनते, फोन अगर नंबर फील ना हुआ हो तो मैं अक्सर नहीं सुनता, वो मैं कहता हूँ यार वो फोन जो आते हैं आते उनमें से तो गालियां देने के लिए आते हैं। अच्छा, वो तू इतराज अहसन बोल रहे हो और तू है कि कीता है कि नहीं, 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 नहीं। तो इसलिए यहाँ तो एक इत्तफाक राय लगता है। अगर आप नौ नंबर को चौकी भी लाते हो तो तू इतराज अहसन बोल रहे हैं, नहीं जी मैनू साहब जी ने काम भेजा है जी।
जी जॉम्बो, गुड हाउ यू? यू नो माय वन मिस्टेक हैज कॉस्ट मी अ फॉर्चून। ओह माय गॉड, एक छोटी जी गलती इंसान नु तबाही दे किनारे ते ले आके खड़ा कर दे। अच्छा, यस संबाजी टोल मी दैट के बड़ा वड्डा इवेंट आ रहा है। हां ईद, हां मैं रसीदा छुपा लिया। अच्छा, काउंटर बना ले, चिंगचिया हायर कर ले। ओए होए होए, मैं के सॉरी सारीयां खल्ला मैं ही इकट्ठियां करांगा। वाह वाह, बट मैंने एक बंदे ने दसिया ये तो छोटी जेदे ते सेवियां कच्चियां जिन्नी मेरी उत्थे इन्वेस्टमेंट सी सारी लॉस्ट हो गई। ओए होए होए, मेरी मामा मैनू रोज कॉल करदी है। अच्छा, कहंदी है डॉलर डिगदा जा रहा है, तेरे मुल्क दी करंसी मजबूत हुंदी जा रही है। हाँ। रोज दा 5-6 सौ रुपए भेज। अच्छा, ताकि इत्थे मैं ढेर ला के बाद च डॉलर खरीदांगे। हाँ। ते हुण मैं किथों भेजां जिहड़े पैसे सन ओह ते मैं ला बैठा। जो हालात चल रहे ने साडे, मामा नू जवाब ही भेज। मेरी मुलाकात होगी, मेरे नाल पक्का कॉन्ट्रैक्ट कर, रोज मैं पुलिस वाले फड़ के छित्र भेज। मैं कोई ना कोई वकील करना पैंदा, तुसी मेरा पक्का कॉन्ट्रैक्ट करा दे। नहीं, ये वो वाले वकील नहीं है। नहीं, मेरा मुकदमा तो लड़ लेंगे। हम अगर तुम्हारे जिस किस्म के मुकदमात होते हैं वो वैसे मुकदमात नहीं लड़ सकते। देखो मैं मच्छरा ना लड़ लेना तो मेरा मुकदमा ना नहीं लड़ तुम्हारे तो कोई बड़ा मुकदमा हो तो फिर सर मैं बड़ा वकील वे के मैं डकैती करा। नहीं नहीं, कोई हेल्प करेंगे कि नहीं? अभी हम बात कर रहे हैं, मेरा नहीं बाजी रंग को कोई 150 नहीं है यार। मेहमान आई हुई है, ईद का दिन है वो। मेहमान है तो अनुते ईद देनी चाहिए दी। देओ फिर तो वापस करा। जिए भुट्टो बेनजी, अले अले जिए भुट्टो बेनजी। देखो तो सब में बेनजीर इनकम सपोर्ट च मेनू पैसे आंदे ने। वो तो फोन सुनने लगे ने। अच्छा, मैं डर गया, मैं क्या कितने पिस्तौल ही ना कर ले। कहन लो तेरी जिंदगी आसान हो गई। शिनाख्ती कार्ड ते ड्राइविंग दा लाइसेंस सर वो वापस कर दें। आई एम सॉरी अबाउट दैट, तुसी मैनू इन्नी ऑनर दिती है सर, अच्छा नहीं लगता, मैं इन्हीं जे वापस करना। हेलो, साडे मेहमान हैगे ने, चल लै जा। यू नो मैं इन्हें टीवी ते भी देखे। ये देखो आज तक तुम्हें किसी ने ये किया? बड़ी वड्डी गल है सर, देख लो फिर। सियासी गुफ्तगू इन्हां ते खत्म है। देखो ना कैसा उन्होंने काम किया, भी ना मैं ले जा सकता। तू 20,000 रुपया कढ़ना है ते 45,000 दा केस ठोक देना उन्हें। मैनू जे माफ करना बोलो, इहदे वल्लों लै लो। आपकी तरफ से भी आ गए, आपकी तरफ से भी आ गए, थैंक यू। इनी ऑनर तुसी कीती है, नहीं बड़े ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਜਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਿਲ ਦਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬਸ ਅੱਛੇ। जिंदगी मसरूफ तो है लेकिन बड़ी बुजदार है। ओ बुजदार साहब ज़हन च रहिंदे ने ना, गुलो गुलजार है। कल दा दिन बड़ा मसरूफ सी। अच्छा भाई, सारे बच्चियां दे नाल पूरा खानदान फिरिया। हाँ। बड़े मौजन। आज दा दिन भी बड़ा मसरूफ सी, चारों सूबे फिरिया ना करे। एक दिन दे विच कढ़े डल पी 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 आ तुहाडे कोल डाले के उपर जी सर। अरे वाह, मेरा कोई डाला आम डाला है? बिल्कुल नहीं। सवेरे सवेरे नाश्ता कीता महमूद खान साहब के पी। ओहो क्या नाश्ता, जिंदगी च बोले नहीं सकता। अच्छा, आज नाश्ता खत्म होया जब भी पाई ने नाल 20 रुपए ईद दीती ने। हैं? मैं क्या सर, एडा वड्डा अफसर ते 20 रुपए ईद? हां मैंने कहा ना, देखो इससे ज्यादा अगर मैं ईद दूंगा हाँ। तो रिश्वत के जुमरे में आ जाएगा। देखो ना कैसे बचे ने। बिल्कुल, लेकिन मैं कह चलो 20 ठीक ने, नाश्ता अच्छा से ठीक है। कडे डाला पी कोटा जाम कमाल साहब, वाह वाह था सलूट, मेरे फेवरेट मैन है। बिल्कुल गल भी मैं कोई नहीं कीती। अच्छा 100 दा नोट
ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਦਾਮ ਦੇ 4 ਪੈਕਟ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਨਾਲ ਚੌਥਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਕੱਲੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਈਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਈਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਫਨੀਰ ਗੋਲੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਡੇ ਐਡ ਅੱਲਾ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਯੈਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲਵਲੀ ਫਰੈਂਡ ਅਗੂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਡਾਲਾ ਪੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਹਾ ਮਾਰੇ ਸਲੂਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਈਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਨੇ मेरे उस्ताद ने अच्छा 14 अगस्त मैं बन भी लेंगे ना को सीखी यकीन करो आ गुब्बारे दे विच ऐसे नाल हवा भरनी इन्हां को सीखो सर सलवार दे विच हवा भर के नहर च नौना इन्हां को सीखो मेरे उस्ताद ने सर सर दी जिंदगी मैं अपने उस्ताद जी नाल गुजारी 1975 दे विच एमपीए दा इलेक्शन लड़िया मैं नाल सी उस वक्त भी सर 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸੇ ਲਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ तमाम मशवरे कौन दे रहा है कौन दे रहा है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम मशवरे ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਤਰਗੜਦਾਮ ਓ ਹਾਜ਼ਰਾ ਆਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆਮੀਨ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਭੀ ਬੈਂਡ ਕਭੀ ਬਾਜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਆਮੀਨ ਭਾਈ ਪਿੰਕੀ ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਫਨਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਰੈਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਕੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਮ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਓ ਮਾਈ ਪਲੇਅਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਓਏ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਿਆਰ पाकिस्तान की सुपरस्टार बैठी हैं हमारे सामने जी जी तो बस आज एतजाज साहब भी आए हैं तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी प्यारी हो के आपने माशाल्लाह ड्रामे भी किए फिल्में भी की हैं तो सिंगल क्यों है ये समझ नहीं आई तक सर प्रायोरिटीज मुझे अभी शादी करनी नहीं है क्यों वजह मैं काम करना चाहती हूँ कोई गल नहीं तो मैं दुकान पा के दे दूंगा किराने की दुकान खलोते रहना मुझे सिर्फ काम है अभी मुझे सिर्फ अदाकारी करनी है और कुछ अच्छा अदाकारी करनी है तो जितनी वाइफ होती है वो अदाकारी करती है आज लेट क्यों आए जी अदाकारी होती है ना नहीं ऑनेस्टली मतलब मैं और कहीं फोकस अभी शिफ्ट नहीं करना चाहती सिर्फ अपने काम लेकिन होता ना कुछ ऐसा मसलन जहन में तो होता ना कोई आइडियल होता है कोई सियासतदान हो एक्टर हो कोई डांसर हो कोई क्या क्या नहीं 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 ऐसी कोई चीज़ है नहीं कुछ आइडियलाइज नहीं किया हुआ बट हाँ डेफिनेटली जो भी इंसान आपके आपके साथ साथ चले आपके साथ बढ़े और आपके साथ सीखे बराबर रहे आपके तो डेफिनेटली वो है ज़हन में गुड लुकिंग हो कैसा मेरे जैसा या एतजाज साहब जैसा लुक्स आई डोंट थिंक इन द लॉन्गर रन लुक्स नहीं मैटर करती तो किस फील्ड से हो तकरीबन ये इस चीज से कोई वो नहीं है कि किस फील्ड से हो बस इंसान अच्छा हो दरअसल मैं ना तुम आसान उर्दू च कहना चाह रहा हूँ मैं तुम्हारा फैन तो आप भी सिंगल है मैं भी सिंगल हूँ तो डांसर तो आप लाइक नहीं करती वो सामने वो ना नवा सूट गया माइकल जैक्सन पसंद होगा आपको
बचपन से माइकल जैक्सन तो तुसी भी उन्हें को जाओ फिर माइकल जैक्सन तो हम लोग बचपन में उसी की तरह की जो जैकेट्स होती थी रेड वाली जैकेट विद दो स्टड्स ऑन द शोल्डर्स वो लेके सर आप इस बारे में क्या कहेंगे आप तो समझते हैं कुछ लड़की को समझाएं नहीं लड़की को बड़ी अच्छी इसको काम करना चाहिए जब वक्त आ जाएगा जब ये महसूस करेगी अब मेरा बेटा तो शादी शुदा है वरना मैं उसके लिए अपना बेटा समझ लो तो सर एक बात बताइए मुझे सियासत से आजकल रेस्ट ले रहे हैं या कभी कोई पार्टिसिपेशन रख रहे हैं उसके अंदर दो शोबे ऐसे हैं जिनमें रिटायरमेंट एज कोई नहीं होती खैर तीसरा भी है अदाकारी वगैरह भी है और बड़ा डेवलप हो के चाइल्ड स्टार से फिर स्टार फिर माँ बाप का रोल करते हुए बड़े बड़े किरदार और आर्टिस्ट देखे हैं पर दो और शोबे हैं जो जिनमें रिटायरमेंट एज नहीं है एक सियासत और दूसरी वकालत और आपने दोनों ही चूज किए ओए आपने चूज किए हैं दोनों आप बड़े चलाक हैं आपने कहा यही वाले करूंगा मैं जो आगे तक जाएंगे अगर पता है ये सब खुद भी करते हैं शायरी मुझे पता लग रहा है बिल्कुल मगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो मुझे बड़ी हमेशा से इंटरेस्टिंग लगती है आपकी एक नज्म है कल आज और कल जो आपने लिखी थी 2006-07 के अंदर लाल बैंड ने उसको परफॉर्म किया था फिर उस शायरी के अंदर आपकी दो लाइनें हैं जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं जो आपने लिखी थी कि एक तरफ थी जनता सारी एक तरफ थे चंद घराने क्या ये चंद घराने आज भी उधर ही हैं और क्या ये चंद घराने ऐसे ही घराने हैं जैसे कि भुट्टोज शरीफ खान्स टिवानाज अवान्स मलिक्स एंड मेनी मैं आपको इसके तदादात और भी बता देता हूँ वो आगाज ही उसका ये है ऐदे जवानी में देखे थे कैसे कैसे ख्वाब सुहाने बिल्कुल इन ख्वाबों में हम लिखते थे अक्सर खुशियों के अफसाने एक नई दुनिया की कहानी एक नई दुनिया के तराने ऐसी दुनिया जिसमें कोई दुख न झेले फूक न जाने एक तरफ थी जनता सारी एक तरफ थे चंद घराने एक तरफ थे भूखे नंगे एक तरफ कारों के खजाने एक तरफ थी तीसरी दुनिया एक तरफ बेदाद पुराने एक तरफ सच्चल और बाहू एक तरफ मुल्ला और मसलक एक तरफ थे हीर और राजा एक तरफ काजी और चूचक और एक तरफ अमृत के धारे शहद एक तरफ अमृत के धारे एक तरफ थे धारे भिस के जहर के एक तरफ अमृत के धारे एक तरफ थे धारे भिस के सारी दुनिया पूछ रही थी बोलो अब तुम साथ हो किसके मतलब ये मुझे बाबत है लिखा तो आपने जब वो 2006-07 में लॉयर्स मूवमेंट थी उस वक्त का था मगर जो आपने मंजर खींचना शुरू किया दैट वाज फ्रॉम योर स्टूडेंट लाइफ एंड यू नो जिस वक्त आपने लिखी फिर 2007 में व्हेन यू वर एन एक्टिव पॉलिटिशियन एंड अ लॉयर हु हैज बीन सक्सेसफुल इन बोथ दीज फील्ड्स इज देयर स्टिल समथिंग लेफ्ट इन यू व्हिच टेल्स यू कि वो जो आपने सब बयान किया उस पूरे पोएट्री के अंदर वो आज भी पूरा नहीं हुआ नहीं हुआ मैं समझता हूँ कि मेरी जनरेशन जो है ये पाकिस्तान की नाकाम जनरेशन है पाकिस्तान अगर एक 1947 में ये दरवाज़ा खुलता है इस तरफ से और वो हिंज कहते हैं जो कब्जा बीच में होता है जिसके पे दरवाज़ा घूमता है जी हम वो हिंज जनरेशन थे हमने अपने आबाओ अजदाद से जो लिया था वो अपने बच्चों को इनको हमने उनके हवाले करके जाना था और हमने इनको उससे बेहतर पाकिस्तान दे के जाना था जो हमने अपने आबाओ अजदाद से लिया था हम ऐसा नहीं कर सके हम इनको बदतर पाकिस्तान दे के जा रहे हैं वाह वाह वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी तो 2020 का आगाज इससे शुरू करो उन्होंने कह दिया अब हाजरा आपसे ही करना पड़ेगा ठीक है तो हाजरा जी ये बताइए आधी रात का वक्त शदीद बोरियत का आलम है फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और अदनान सदीकी साहब आप होंगे वो एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं आप तीन लोग ऑलरेडी मौजूद हैं एक के साथ सेल्फी लेंगी एक को कर्टसी में स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है
अच्छा ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मंशा पाशा, दूसरी हैं मावरा हुसैन और तीसरी हैं हरीम फारूक। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ लेंगी? थिंक आई विल टेक अ सेल्फी विद हरीम। ठीक है, स्माइल किनको दे रही हैं? स्माइल मैं दूंगी मावरा को। और किनको कह रही कि फ्लोर आ गया आपका? मंशा को। मंशा पाशा आपको कहा जाएगा कि फ्लोर आ गया। इट्स अ गेम। बिल्कुल इट्स अ गेम, इट्स ऑफ कोर्स अ गेम। ये बताइए मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगी आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत। मौलाना फजलुर रहमान। देखें इनमें से किसको इंस्टाग्राम पे सीक्रेटली फॉलो करना चाहेंगी, किसको ओपनली फॉलो करना चाहेंगी और किसको देखते ही आप फॉरन ब्लॉक कर देंगी अकाउंट? सही। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं बिलाल अब्बास, मिकाल जुल्फिकार और बिलाल अशरफ। तो ये बताइए ओपनली किसको फॉलो करेंगी? बिलाल अशरफ। सीक्रेटली किनको फॉलो करना चाहेंगी? बिलाल अब्बास। और किनको ब्लॉक कर देंगी? मिकाल। ओके ठीक है, टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो वीआईपी पास है आपके पास, एक अपना है दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पर अपने साथ आप? ऑप्शंस आपके पास हैं इमरान अशरफ और अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट। कमाल कंपनी है अहमद। बिल्कुल जी सर, कमाल कंपनी पर उसको लिए डूबेगी। He's such a good and humble human being. उन्होंने डूबते डूबते 3 लाख तस्वीर खींच लेंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट हैं, एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको देना चाह रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान खान और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी। ठीक लीजिए भाई साहब, आधी रात का वक्त, शदीद ही बोरियत का आलम, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। ओके नवाज शरीफ साहब से बात होगी। तो सब ये बताइए आप भी लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आपने भी सेल्फी लेनी है, एक के साथ आप स्माइल देंगे और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से भैया आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा, जनाब यूसुफ रजा गिलानी और जनाब खुर्शीद शाह। तो सेल्फी किसके साथ है? खुर्शीद शाह के साथ। ठीक है, स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल दे रहे हैं उसको कमर। और किसको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया? वो पीर साहब को। यूसुफ रजा गिलानी साहब का फ्लोर आ गया है फिलहाल। ठीक है सर, बताइए फिर मजबूरी के तहत एक तस्वीर आपको भी बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस तस्वीर में पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर में आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और जनाब शहजाद अकबर। शहजाद अकबर ही। शहजाद अकबर। ठीक, ये बताइए सर आप भी फिर टाइटैनिक के ऊपर, और दो वीआईपी पास हैं, एक आपको अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदोस आशिक अवान, शहरी रहमान साहिबा और महविश हयात। डूबना ही किसी के लिए है तो फिर महविश हयात के लिए ही डूबे आ। तो सब ये बताइए फिर इनमें से किसके साथ डिनर की ऑफर आए तो फौरन कबूल कर लेंगे, किसके साथ ऑफर आए तो कहेंगे कि अभी जरा महीना ठहर जाओ, और किसके साथ ऑफर आए तो आपने फौरन ही रिजेक्ट कर देनी है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सबा कमर और नीलम मुनीर। तो ये बताएं फौरन किसके साथ डिनर पे जाना चाहेंगे? नीलम मुनीर। नीलम मुनीर। किसको कहेंगे कि महीने बाद देखते हैं? मायरा। और किसको कह रहे हैं कि रिजेक्शन ही समझो? बस बात दिले ना खास्ता। सवा कमर को फिलहाल आपने कहा। ठीक है वैसा फिर बता दे, डूबती कश्ती है, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और हाजरा यामीन। मैं आपको सीधा बताऊं, मैं अपनी लाइफ जैकेट दे के और खुद डूब जाऊंगा इन दोनों को बचा। अरे नहीं सर, एक को बचा आपने, एक इसको बचाना चाहिए, हाजरा को देना चाहेंगे? ओए हाजरा, आप तो जरदारी साहब से जैकेट भी ले गई हैं। सर मैं किसी कुड़ी ना लड़के इन्हों को केस नहीं लड़ाना। क्यों? इन्होंने कुड़ी नु जितवा देना। वो आसिफ जरदारी नु डुबा देता है ते बहुत मजा आया आपसे बात करके हमेशा की तरह। हाजरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों को हमारी तरफ से बहुत ईद मुबारक। सर ईद का मौका है, क्या हुए फिर?